दोस्तों दिशा पटानी बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एक्टर दिशा पटानी के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिशा पटानी का लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप दिशा पटानी के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों दिशा का फुल नेम दिशा पटानी है और निकनेम दिशा है। प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस और मॉडल है। दिशा का जन्म 27 जुलाई 1995 को उत्तर प्रदेश में हुआ और 2022 के हिसाब से 29 इयर्स की हो चुकी हैं। दिशा को बचपन से ही एयरफोर्स पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब उन्होंने अपने सेमेस्टर हॉलीडेज में एक मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तब दिशा को एक विनर का टाइटल दिया गया। उस कॉन्टेस्ट के बाद दिशा को कई सारी एडवर्टाइजमेंट और फोटोशूट के लिए ऑफर आने लगी और दिशा के पास कॉलेज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने कॉलेज को छोड़ देने का फैसला कर दिया और अपना पूरा फोकस मॉडलिंग पर ही देना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पेरेंट्स उनके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिशा पटानी के करियर के बारे में। दिशा पटानी कॉलेज छोड़ने के बाद वो अपने मॉडलिंग करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए मुंबई चली गई, जहां वो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करने लगी। दिशा को पता था कि उन्हें मुंबई में ही रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो कई सारी फिल्म्स और एड्स की ऑडिशन दिया करती थी और वो मुंबई में अपनी एजेंसी की बाकी मॉडल के साथ फ्लैट में रहती थी। वहाँ उन्हें कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा था। दिशा का बॉलीवुड में डेब्यू 2014 में होने वाला था, जहाँ दिशा को करण जौहर ने अपनी अडल्ट फिल्म नो सेक्स प्लीज वी आर इंडियन के लिए कास्ट किया था, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। और फिर एक साल बाद 2015 में दिशा ने अपना डेब्यू किया साउथ इंडियन फिल्म लोफर से। दिशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 3 फिल्मों में कास्ट किया गया था पर उनमें से एक भी फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद वो एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्रे में टाइगर श्रॉफ के साथ दिखाई दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिशा ने हीरोपंती के लिए भी ऑडिशन दिया था पर उन्हें पहली ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। दिशा ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने कई सारे कमर्शियल एड्स में एज अ मॉडल काम किया है। दिशा को असल पहचान 2016 में बॉलीवुड फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए दिशा को बेस्ट फीमेल डेब्यू स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। साल 2018 में दिशा की फिल्म बागी 2 रिलीज हुई, जिसमें इनके अपोजिट टाइगर श्रॉफ थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। और फिर दिशा फिल्म पे फिल्म करती चली गई, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है मलंग, बागी, राधे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिशा पटानी की कौन फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिशा एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं और उनका जिमनास्टिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है और इसी वजह से उन्हें फिल्म भारत में कास्ट किया गया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो दोस्तों इनके फादर का नाम जगदेश सिंह पटानी है, जो की एक पुलिस अफसर है, और इनकी मदर एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। इनकी एक बड़ी सिस्टर भी है जिसका नाम खुशबू पटानी है, जो की एक आर्मी में एक कैप्टन की पोस्ट पर है। इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सूर्यांश पटानी है। दोस्तों बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर टाइगर श्रॉफ दिशा पटानी के बॉयफ्रेंड हैं और ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दिशा पटानी के घर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिशा पटानी का बिंद्रा मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसमें शानदार बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम मौजूद है। दिशा को पेट एनिमल रखने का भी बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए इनके घर में एक डॉग और एक कैट भी है। दोस्तों आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं दिशा पटानी के घर की कुछ झलक। वहीं बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनकी फर्स्ट कार है लैंड रोवर रेंज रोवर, जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपीस, और सेकंड कार है मर्सिडीज बेंज ई क्लास, जिसकी प्राइस है 80 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास मिनी कूपर कन्वर्टेबल भी है, जिसकी प्राइस है 35 लाख रुपीस। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिशा पटानी की सैलरी के बारे में। दोस्तों एक फिल्म में काम करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा वो कई सारे ब्रांड्स को भी इंडोर्स करती है, जिससे उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 87 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये थी दिशा पटानी की लाइफ स्टाइल वीडियो। दोस्तों अगर आप दिशा पटानी के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल पे चाहते हैं।